आज हम बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही आसान नवाबी चिकन करी बनाकर तैयार करेंगे जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है इसके लिए हम बीस काजू लेंगे या फिर बीस छिले हुए बादाम ले लीजिए और इसमें दो तो टेबल स्पून डालेंगे नारियल का पाउडर डेसीिकेटेडेडेड कोकोनट और छह छोटी लाची डाल देंगे दस बारह धागे डाल देंगे इसमें केसर के जो कि ऑप्शनल है और एक तिहाई कप दूध या फिर पानी डालकर इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे और एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे अब इसी मिक्सी के जार में दो मीडियम साइज की फ्राइड अनियन का दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे अब एक किलो चिकन में तैयार किया हुआ पेस्ट डालेंगे जो हमने तैयार किया था और साथ में तली हुई प्याज का दरदरा पेस्ट डाल देंगे दो टी स्पून नमक दो टीपून लाल मिर्च का पाउडर एक टी स्नून कश्मीरी लाल मिर्च आधा टीपून हल्दी दो टीपून गर्म मसाला एक टी भुने हुए जीरे का पाउडर एक टीपून काली मिर्च दो टी स्पून कुटावा साबुद धनिया और दो टेबल स्पून अदर लहसुन का पेस्ट और दो टी स्पून नीबू का रस डालेंगे आधा कप तेल या फिर देसी घी डालेंगे वही तेल यूज कर लेंगे जिसमें कि हमने प्याज को गोल्डन फ्राई किया है और एक से डेढ़ घंटे के लिए इसको मेरीनेशन के लिए रख देंगे अब हम एक पैन ले लेंगे जिसमें हमें इसे पकाना है और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे और आधा कप पानी भी डाल देंगे और इसको मिला देंगे अब हम इसको ढक देंगे और हाई फ्लेम पर पांच मिनट के लिए इसको पकाएंगे पांच मिनट के बाद लेट खोलेंगे और एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स दे देंगे अब गैस की फ्लेम को लो करके पच्चीस से तीस मिनट के लिए इसको पकाएंगे बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे वरना ये नीचे लग सकता है और तकरीबन तीस मिनट के बाद हम देखेंगे हमारा नवाबी चिकन बनकर तैयार है हरे दिन के पत्तों से गार्निश करके सर्व करेंगे